भाई वर्ल्ड कप के हार का बदला पूरा हो गया। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से क्लीन स्वीप कर दिया। ये मैच 5 मैचों की सीरीज आज खत्म हो गई। और मैच के हीरो रहे भाई, हमारे तरफ से तो मैच के हीरो अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने लास्ट ओवर में टर्निंग पॉइंट किया और ज़बरदस्त बॉलिंग की। सिर्फ 3 रन, 1 विकेट, 2 डॉट बॉल और इंडिया को 6 रन से ये मैच जीत दिला दी अर्शदीप सिंह ने। तो भाई कमाल कर दिया अर्शदीप सिंह ने। आवेश का नाथ काफ़ी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 30 रन दिया। लास्ट का ओवर उनको बहुत महंगा भारी पड़ गया, इसीलिए इंडिया को ये मैच, इंडिया के लग रहा था लास्ट ओवर में ये मैच निकल जाएगा हाथ से, लेकिन अर्शदीप सिंह ने आज ज़बरदस्त मैजिकल बॉलिंग की और इंडिया को जीत दिला दिया भाई। तो वर्ल्ड कप के हार का बदला पूरा हो गया है भाई। तो रावण की लंका जला के आए हैं भगवा धारी। भाई बुरा मत मानना भाई, क्योंकि आज बीजेपी ने कांग्रेस को भी 3-1 से स्वीप कर दिया है, क्लीन स्वीप कर दिया है। तो बुरा मत मानना, मेरा मतलब है टीम इंडिया से भगवादारी। तो भाई आज ये शुरुआत हुई, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया, और फिर वही हर बार ऑस्ट्रेलिया ही टॉस जीतता है। तो इंडिया की स्टार्टिंग जो है थोड़ा स्लो थी और इस 3 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बन पाए थे। तो रन रेट को थोड़ा मेंटेन करने के लिए भाई जायसवाल ने एक एग्रेसिव इनिंग ओवर खेला, 6 रन मारे उसमें और 2 फोर भी लगाए। उसके बाद वो आक्रमण मूड में आ गए और एक लॉफ्टेड शॉट मारा जो उनके बैट के ऊपरी किनारा लिया और भाई वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया और कैच हो गए। उसके बाद ज़्यादा देर तक वही भाई हमारे गायकवाड़ नहीं टिक पाए आज, और वो भी चलते बसे। गायकवाड़ ने ज़्यादा रन 10 ही रन बनाया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने आज कमाल की बैटिंग की भाई, इंडिया को 160 रन पहुंचाने में उनका ही योगदान रहा, ज़बरदस्त उन्होंने अपने सेंचुरी 50 बनाई और ये 6 मारकर अपनी 50 को पूरा किया। ज़बरदस्त बैटिंग, जितनी तारीफ की जाए श्रेयस अय्यर की कम है। गलत चीज़ लगा जो सबसे, मतलब बैटिंग में सबसे ख़राब चीज़ लगा वो रिंकू सिंह का बैटिंग था आज भाई। रिंकू सिंह और सूर्या कुमार यादव स्टार बल्लेबाज हैं, खास करके T20 के लिए, लेकिन आज जिस तरह से शॉट खेल कर आउट हुए रिंकू सिंह, वो मुझे हजम नहीं हुआ भाई। क्योंकि एक तभी संघ की बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने ज़बरदस्ती 6 मारने की कोशिश की और वो आउट हो गए, क्योंकि उन्होंने बॉल को अपने कवर किया नहीं। वो बाहर से एक बाहर रहते हुए बॉडी को अपने कंट्रोल नहीं कर पाए और बैट और बॉडी को लाइन में ला नहीं पाए और वो बाहर जाती हुई गेंद को ज़बरदस्ती उठा के मार दिया और कैच आउट हो गए। तो आज तो रिंकू सिंह ज़बरदस्ती आउट हो गए, कोई ज़रूरत नहीं थी इसको शॉट खेलने की, सिक्स मारने की, क्योंकि वो काफ़ी बाहर खड़े हुए थे, गेंद बाहर बहुत ही बाहर जा रही थी। उसको हिटिंग करेंगे तो आउट होनी होना है, क्योंकि पूरी ताकत से वो जाएगा नहीं बैट और बॉल का। तो आज तो रिंकू सिंह ज़्यादा कुछ कर नहीं हुआ आपका, और एक अच्छी इनकी उम्मीद थी उनसे, जो मैंने पहले वीडियो में बोला था, प्रेडिक्शन किया था। और सूर्य कुमार यादव से तो दोनों फेल हो गए। सूर्या कुमार यादव जी से भी बहुत उम्मीदें थी कि आज अपना वो T20 का 2000 रन पूरा करेंगे, क्योंकि रायपुर वाले मैच में भी यही उम्मीद थी कि 2000 रन पूरा कर लेंगे, सिर्फ 21 रन चाहिए था, लेकिन वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। और ये आज भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए और वो अपना 2000 रन T20 का पूरा कर नहीं पाए। तो उम्मीद यही करूँगा उनसे कि वो साउथ अफ्रीका में एक अच्छा स्कोर करेंगे, एक अच्छा इनिंग खेलेंगे और अपना 2000 रन पूरा भी करेंगे और सीरीज़ भी जीतेंगे। और यही उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड कप की तो तैयारी हो रही है, वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में होना है, उसके लिए ये जो अभी इंडिया का टूर होगा साउथ अफ्रीका के लिए, उसमें ये प्लेयरों का सिलेक्शन होगा, वहीं से ये पता चलेगा कौन सा खिलाड़ी जो T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए तैयार होगा। तो काफ़ी मैचेस हैं, इसमें प्लेयरों को टेस्ट किया जाएगा T20 के लिए, कौन अच्छा है कौन नहीं है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में होना है, उसके लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो आज कि बैटिंग जो है इंडियन बैट्समैन के लिए कोई टाइमिंग उनका सही नहीं था आज, जो बैट और बॉल का जो टाइमिंग था वो सेट नहीं हो पा रहा था, और हमारे बैट्समैन जितने भी तरीके से आउट हो रहे थे वो कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बैट बॉल का कुछ सामना इस तरह से हो रहा था जैसे टाइमिंग ही नहीं फिक्स हो रही उनकी, और हमारे जितने भी विकेट गिरे सब इसी तरह से गिरे। तो इंडिया स्टार्ट में तो काफ़ी प्रेशर में आ गया था, हमारे 14 ओवर में सब सिर्फ 100 रन थे, 5 विकेट भी हमारे गिर चुके थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक तरह से संभाले रखा अपने टीम इंडिया को और 10 15 पूरी की अपने, उन्होंने 6 मार कर 50 पूरी की और ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, जितनी तारीफ हुई जाए श्रेयस अय्यर की कम है। लेकिन इस मैच के हीरो तो हमारे तरफ से एक ही है अर्शदीप सिंह, जिन्होंने कमाल कर दिया यार, इंडिया को
लास्ट ओवर में जो है 10 रन चाहिए थे, लेकिन 2 डॉट बॉल डाले और कैप्टन को विकेट भी लिया। तीसरी गेंद पे उन्होंने कैप्टन को बाहर भेजा पवेलियन, और सिर्फ 3 रन दिए लास्ट ओवर में। 3 रन देकर इंडिया को 6 रन से मैच जिता दिया। ज़बरदस्त बॉलिंग, आवेश खान काफ़ी महंगे साबित हुए, लास्ट का ओवर उनका बहुत महंगा साबित हुआ। और आवेश खान का जब ओवर ख़त्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका है, लेकिन हरसिमरत सिंह ने ज़बरदस्त यार इंडिया को कमबैक किया, और यही टर्निंग पॉइंट था हरसिमरत सिंह का, और इन्होंने मैच इंडिया को जिता दिया। वैसे इंडिया पूरे टीम में बनी हुई थी, अच्छा हमारे बॉलरों ने अच्छा फाइट किया और टीम में बने रहे लास्ट तक, मैच में बने रहे, और लास्ट में मैच इंडिया ही नहीं जीता। तो जितनी तारीफ की जाए हर्षदीप सिंह की कम है, क्योंकि हर्षदीप सिंह ने जो बॉलिंग की वो वही टर्निंग पॉइंट था। टीम इंडिया ये मैच 4-1 से जीत गई है, ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर दिया है, वर्ल्ड कप के हार का बदला ले लिया है। तो अब एंजॉय कीजिए, और अब अगला जो मैच होगा वो साउथ अफ्रीका के टूर के लिए होगा, और इंडिया की टीम जो साउथ अफ्रीका के लिए जा रही है, वहाँ पे इंडिया को T20 के 3 मैच खेलने हैं, और दो तीन टेस्ट खेल 3 वनडे खेलने हैं, 2 टेस्ट खेलने हैं। तो टीम का ऐलान भी हो चुका है, और जिस तरह से आज वैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो मैकडरमॉट ने ज़बरदस्त बैटिंग की यार, उन्होंने भी 50 पूरी की, और ऑस्ट्रेलिया को एक ज़बरदस्त मतलब मैच में पूरे बनाए रखा है यार, ज़बरदस्त। अगर उनका विकेट नहीं निकलता तो फिर शायद हमारे हाथ से मैच निकल सकता था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली आज यार। मैकडरमॉट का मुझे याद आ गया उनके फादर का, क्योंकि मैकडरमॉट के फादर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते थे, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में पहला वर्ल्ड कप जीता था, मुझे याद है शायद रिलायंस कप था कि क्या था, रिलायंस कप ही था पहला, इसका नाम रिलायंस कप था वर्ल्ड कप का। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही कमज़ोर मानी जाती थी। तो इनके फादर को मैंने देखा था मैच खेलते हुए, उनका भी मैकडरमॉट ही कुछ इस तरह से नाम मैकडरमॉट था, अब आगे पीछे कुछ मालूम नहीं क्या था, लेकिन उनका नाम भी मैकडरमॉट था, और ये उनके बेटे हैं। तो इन्होंने भी ज़बरदस्त गेम खेला, और उनके फादर की याद आ गई, ज़बरदस्त गेम खेला लेकिन अपनी टीम को जिता नहीं सके और वो आउट हो गए बीच में। तो इस तरह से टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया है 4-1 से। तो अभी देखते हैं साउथ अफ्रीका का दौरे पर जाने वाली है टीम इंडिया, तो वहाँ क्या होता है।